इंग्लैंड तारीखी टेस्ट सीरीज का आगाज 17 साल बाद पाकिस्तानी सरजमीन पर दोनों टीमें आमने सामने। रावलपिंडी स्टेडियम में टॉस जीत कर इंग्लिश टीम की जारहाना बैटिंग, जैक रॉली और बेन डकेट्स के विकेट के चारों तरफ स्ट्रोक्स ने सेंचुरियां स्कोर की। लियाम लिविंगस्टोन और विल जैक्स ने इंग्लिश टीम की तरफ से डेब्यू किया। मैच से पहले टेस्ट सीरीज ट्रॉफी की रोनुमाई कराई गई। कप्तान कौमी टीम बाबर आजम और इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स ने ट्रॉफी की रोनुमाई कराई। पाकिस्तान की तरफ से चार प्लेयर्स ने डेब्यू किया। साउथ शकील, हारिस रऊफ, मोहम्मद अली और जाहिद महमूद को टेस्ट कैप दी गई। पाकिस्तानी प्लेइंग 11 में बाबर आजम, अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक, अजहर अली शामिल, मोहम्मद रिजवान, आगा सलमान, नसीम शाह भी टीम का हिस्सा हैं। कोशिश होगी इब्तदा में बेहतर खेल पेश करके पाकिस्तान को अंडर प्रेशर लाएं। कप्तान इंग्लिश टीम बेन स्टोक्स की मैच से पहले गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान टफ साइड है, अच्छा खेलने की कोशिश करेंगे। कप्तान कौमी टीम बाबर आजम ने कहा पिच अच्छी है, टॉस जीतते तो हम भी बैटिंग करते, इंग्लैंड टीम को जल्द आउट करने की कोशिश करेंगे। राजा जी पिंडी जुलसा मैच तक पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर डॉक्टर क्रिस्टन टर्नर का मुकामी पहाड़ी जबान में ट्वीट। बरतानवी हाई कमिश्नर टेस्ट सीरीज के लिए खासे पुरजोश, रिक्शे पर सवार होकर टेस्ट मैच देखने पिंडी स्टेडियम पहुंच गए। शायकी ने क्रिकेट को स्टेडियम आने की दावत देते हुए ट्वीट में मजीद लिखा तुसा वी जुलवसो। रावलपिंडी टेस्ट के लिए सख्त हिफाजती इंतजाम। रावलपिंडी पुलिस के 5000 से जायद अफसरान और एहलकार सिक्योरिटी फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस के 432 अफसर और एहलकार तैनात। रूट और स्टेडियम से मुल्क इमारतों पर माहिर निशानाबाज तैनात। स्टेडियम के गिर्दोरवा में इलीट फोर्स और डॉल्फिन फोर्स की खसूसी टीमों का गश्त। इमरान खान के खिलाफ वजारत दाखिला की तौहीन अदालत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच कल दरख्वास्त पर समाअत करेगा। रजिस्ट्रार ऑफिस ने तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। ममनुआ फंडिंग केस में नू लीग पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुतफरिक दरख्वास्त दायर। पीटीआई की दीगर जमातों के फॉरेन फंडिंग केसेस का जल्द फैसला करने के लिए दरख्वास्त दायर की गई। पीटीआई रहनुमा फारूक हबीब ने पहले से जेर समात केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मुतफरिक दरख्वास्त दायर की। इलेक्शन कमीशन को हिदायत करें नू लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों के ममनुआ फंडिंग केसेस की रोजाना समात की जाए। दरख्वास्त में इस्तदा कहा दीगर सियासी जमातों को मौका दिया गया वो पीटीआई के खिलाफ गलत रिपोर्ट का सियासी फायदा उठाएगी। पीटीआई की दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया है। पंजाब असेंबली को बचाने के लिए ऑपोजिशन हर हर बार इस्तेमाल करने को तैयार। असेंबली की तहलील रोकने के लिए दो ऑप्शन इकट्ठे इस्तेमाल करने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक मुमकिन तौर पर आज गवर्नर पंजाब वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने का कहेंगे। इसके बाद वज़ीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद भी जमा करा दी जाएगी। गवर्नर पंजाब की तरफ से वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट लेने का कहा जाएगा। मुस्लिम लीग नून ने अपने तमाम अरकान पंजाब असेंबली को लाहौर बुला लिया। डॉलर की कदर में मामूली कमी, इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 8 पैसे सस्ता, 224 रुपए 9 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज में तेजी, 250 पॉइंट्स की तेजी से 100 इंडेक्स 42,500 से बढ़ गया। कोई बुलंदोबाला दावे करे मगर रवा साल यकम अप्रैल को आखिरी तरक्याती किस्त देने का बजट नहीं था। विफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं शर्तें लगती रहीं कि मुल्क श्रीलंका बनने जा रहा है, हमें सख्त और गैर मामूली फैसले करने पड़े, हमने भी तरक्की याफ्ता ममालिक की तरह पॉलिसीज बनाई, हम सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से आगे नहीं बढ़ सके, इख्तलाफात को नफरत में तब्दील किया जा रहा है जिससे हमें दुश्मन की ज़रूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर तहरीक इंसाफ की खातीन का एहतजाज। सूबाई वजीर यास्मीन राशिद की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा आजम सवाती पर तशद्दुद के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट इस मामले का नोटिस ले, इस तरह की फासिस्ट हुकूमत को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इन्होंने मर्शद का बेड़ा गर्क कर दिया। ओगरा ने एलपीजी की कीमत में 12 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया। कीमत में इजाफे के बाद एलपीजी की कीमत 216 रुपए फी किलोग्राम हो गई। घरेलू सिलेंडर 139 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर 535 रुपए किलो महंगा हो गया। ओगरा ने एलपीजी की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतें बरकरार। हुकूमत ने मिट्टी का तेल और लाइट डीजल सस्ता कर दिया। मिट्टी के तेल की कीमत में 10 रुपए फी लीटर कमी, लाइट डीजल की कीमत में 7 रुपए 50 पैसे फी लीटर कमी। चारसदा में नामालूम अफराद की फायरिंग से एक पुलिस अहलकार शहीद। फायरिंग का वाक्य थाना तंगई की हदूद में पेश आया। पुलिस के मुताबिक पुलिस अहलकार जरमस्त खान नाइट ड्यूटी से घर वापस जा रहा था। पुलिस का इलाके में सर्च ऑपरेशन, लाश पोस्टमार्टम के लिए तंगई अस्पताल मुंतकिल। बलोचिस्तान कॉन्स्टेबलरी के ट्रक पर धमाके का मुकदमा सीटीटी थाना कोयटा में दर्ज। मुकदमा एसएचओ एयरपोर्ट थाना की मुदय्यत में दर्ज किया गया। कत्ल, इकदामे कत्ल, एक्सप्लोजिव एक्ट और इंसदाद दहशतगर्दी की दीगर दफात शामिल। कल सुबह बलोचिस्तान कॉन्स्टेबलरी के ट्रक पर धमाके में 4 अफराद जाँ बहक, 26 जख्मी हो गए थे। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर रॉन्ग पार्किंग गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज। लाहौर की शहराहों पर गलत पार्किंग करने वाली गाड़ियों को क्लिपिंग लॉक लगा दिए जाएंगे। ट्रैफिक पुलिस ने 200 से ज्यादा लॉक रॉन्ग पार्किंग करने वाली गाड़ियों के लिए मंगवा लिए। इकदाम का मकसद लाहौर की मेन शहराहों पर गलत पार्किंग की वजह से बिला वजह रश की रोकथाम करना है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज एड्स का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मकसद बीमारी से मुतालिक आगाही और उसका फैलाव रोकने के लिए इकदामात उठाना है। ताज़ा दादोशुमार के मुताबिक एड्स के नए केसेस में ज्यादातर नौजवान और ख्वाजा सराओं की तादाद है। स्टार एथलीट अरशद नदीम अपनी कोहनी और पिंटली की इंजरी के इलाज के लिए इंग्लैंड रवाना। अरशद शरीफ के इलाज के लिए डॉक्टर अली शेर बाजवा की खिदमात हासिल की गई। मुकम्मल चेकअप के बाद अरशद नदीम की कोहनी की सर्जरी करने या जारी रखने का फैसला होगा। टोक्यो ओलंपिक से कबल अरशद नदीम कोहनी की इंजरी का शिकार हुए थे। ज़ोंबी वायरस फिर लौट आया। हजारों साल से साइबेरिया की बर्फ में दफन ज़ोंबी वायरस दोबारा एक्टिव। यूरोपीय साइंसदानों ने रूस के साइबेरिया के दूर दराज इलाकों से जमा किए गए कदीम नमूनों की जांच की। इसी दौरान उन्होंने 13 नए पैथोजेंस को जिंदा किया। साइंसदानों ने 48,500 साल पुराने वायरस को ज़ोंबी वायरस का नाम दिया। हफ्ते में 3 छुट्टियों का तजर्बा कामयाब। तमाम कंपनीज का 4 दिन काम करने पर इत्तेफाक। दुनिया की 33 कंपनियों का मुलाजमीन से हफ्ते में 5 दिन काम कराने से इनकार। कंपनियों के मुताबिक हफ्ते में 4 दिन काम से आमदनी बढ़ी। मुलाजमीन की सलाहियतों में बेपना इजाफा देखने में आया। छुट्टियों की शरह भी इंतहाई कम हो गई। लगता है यूं मुझे मुझे प्यार हो गया। और कहानी एक लड़की की जिसकी गुमशुदगी मामा बन गई। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट ला रहा है एक और शाहकार ड्रामा। एक थी लैला का मौजू सबसे मुनफरिद। आखिर लैला की गुमशुदगी का राज है क्या? देखिए ड्रामा 1 दिसंबर से हर जुमेरात की रात 8 बजे।